अरब देश कतर के शेख के भाई सऊद बिन थानी का चेहरा इंदौर के पूर्व महाराजा स्वर्गीय यशवंत राजा होलकर के चेहरे से इतना मिलता है कि कुछ लोग उन्हें यशवंत राव का पुनर्जन्म मानने लगे हैं। खुद शेख सऊद बिन थानी भी होलकर परिवार से जुड़ी वस्तुओं को खरीदने की दीवानगी ने इस बात को और भी हवा दे दी है। आइए देखते हैं अरब देश में हुए यशवंत राव होलकर के पुनर्जन्म के दावों की पड़ताल करती ये खास खबर। यदि अरब के एक देश के शासक के भाई के दावों को सही माने तो इंदौर के महाराज रहे स्वर्गीय यशवंत राव होलकर ने अपनी मौत के बाद अरब देश कतर में सऊद अल थानी के रूप में जन्म लिया है। जब भी आधुनिक इंदौर की बात होती है तो महाराजा यशवंत राव होलकर का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। आधुनिक इंदौर की नींव रखने वाले होलकर राजघराने के महाराजा स्वर्गीय यशवंत राव होलकर की मौत सन 1961 में हुई थी और यशवंत राव होलकर का पुनर्जन्म होने का दावा करने वाले सऊद अल थानी यशवंत राव की मौत के बाद सन 1966 में पैदा हुए। कतर के शेख के घर में पैदा हुए सऊद अल थानी के होलकर प्रेम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे होलकर राज घराने से जुड़ी वस्तुओं को खरीदने के लिए अब तक लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। यही नहीं, वे इंदौर के राजवाड़ा और यशवंत राव के निवास स्थान रहे लालबाग पैलेस का भी दौरा कर चुके हैं। दरअसल उन्हें अपने यशवंत राव होलकर का पुनर्जन्म होने का आभास तब हुआ जब उन्होंने एक अमेरिकी पेंटर मान रे का बनाया यशवंत राव का पोर्ट्रेट देखा। उन्होंने इसके बाद यशवंत राव से जुड़ी चीजों को खरीदना शुरू कर दिया। वैसे भी देखा जाए तो सऊद बिन थानी और यशवंत राव के चेहरे में काफी समानताएं हैं। वैसी ही तीखी नाक, लंबा चेहरा, ठीक वैसा ही चौड़ा माथा, आंखों और भौंहों का अंदाज भी लगभग यशवंत राव होलकर जैसा ही है। यही नहीं, यशवंत राव होलकर जैसी ही पतली मूछें शेख सऊद बिन थानी के चेहरे पर भी नजर आती हैं। शेख सऊद बिन थानी ने अभी हाल ही में लाखों रुपए देकर यशवंत राव होलकर की किताबों की पुरानी अलमारी और वॉल माउंटेड लैंप भी खरीदा है। सऊद बिन थानी के महाराजा यशवंत राव होलकर का पुनर्जन्म होने की बातों में कितनी सच्चाई है यह तो शोध का विषय है, लेकिन जो भी हो, इस बात ने एक चर्चा का नया विषय तो दे ही दिया है।